हेलो एवरीवन, आ गए सब लोग। नमस्कार। चलिए कुछ लोग और जुड़ जाएं, तब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा, आरओ के लिए हिंदी का पोर्शन केवल दो दो या तीन हो पाया ना, विशेषण विशेष्य और क्या क्या, थोड़ा सा हमको याद दिला दें तो बाकी के पोर्शन जल्दी कंप्लीट करा दें। आवाज रिफ्लेक्ट हो रही जी। अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ लोग आ गए हैं, अब हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो आरओ में मैंने विशेषण विशेष्य का जो दिया है वीडियो, वो तो है ही आपके पास। इसके अलावा विलोम का शायद दे दिया है मैंने, विलोम का। अच्छा, उसको थोड़ा सा आप रिमेम्बर कराइएगा मुझे कि किस किस का आ गया है आरओ का, जो 6 पार्ट है हिंदी के लिए, उनमें कौन कौन सा अभी तक मैंने दिया है। विशेषण विशेष्य का याद है और बाकी के 5 पार्ट आने हैं शायद। चलिए 5 पार्ट का मैं बना कर दे दूंगा, है कि विशेषण विशेष उतना पर्याप्त है। उसके अलावा क्विज जो चल रहा है वो आप सॉल्व कर लें, डेली का उतना बहुत है। विशेषण विशेष समझना आपको पड़ेगा, कुछ शब्दों को जानना पड़ेगा कि इनको कैसे प्रयोग किया जाता है, विशेषता बताने के लिए। या हाँ, चेंज कर सकते हैं आप, जाइए वेबसाइट पे या फिर मेरा नंबर ले लीजिए 9453775039 और बताइएगा मुझे, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी हम लोग देख रहे थे। जय हो जय हो जय हो विजय हो। आ जाइए सब लोग। ज्यादा प्रश्न नहीं ले आए हैं, लेकिन अब करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल अथवा समझौते जैविक विविधता पर अभिसमय, सीबीडी, मैंने आपको बताया था सीबीडी के बारे में, 2-3 वीडियोस में चर्चा हो गई। करंट अफेयर्स के जो सुबह वाला वीडियो है परीक्षा खबरी, उसमें भी अच्छे से मैंने ढंग से बता दिया था सीबीडी के बारे में, किस तरह से 1992 में रियो सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर हुए, भारत ने भी हस्ताक्षर किए 5 जून को 1992 में। तो इसमें जो है सीबीडी के कौन भाग हैं, इन सब पे चर्चा मैंने की थी ऑलरेडी। इनमें कौन कौन इसके भाग हैं आपको बताना है। ये चार हैं, चार चीजें दी हुई हैं और आपके ऑप्शन रहे, ये रहे आपके ऑप्शंस। दीजिए भैया उत्तर। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं, ये चार हैं, कार्टागेना, जिनेवा, नागोया और अग्रिम सूचना देने का समझौता। तो इनमें से कौन कौन शामिल हैं सीबीडी में, जैव विविधता पर अभिसमय में। ये क्या हो रहा है, एडोब रीडर भी आज कुछ कमाल दिखा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई नहीं दे पा रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूं, 1, 3, 4, ठीक है ना। सी इसका उत्तर होगा, सी इसका उत्तर होगा, केवल 1, 3 और 4। जेनेवा प्रोटोकॉल ये सीबीडी से जैव विविधता अभिसमय से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों, कार्टागेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया था, 10 साल बाद सीबीडी के 10 साल बाद ये बैठक हुई थी, इसमें समझौता हुआ था,
आईची लक्ष्य जिसमें 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2020 तक जो पाने थे, वो आईची लक्ष्य इसी नगोया प्रोटोकॉल में निर्धारित किए गए थे। अग्रिम सूचना देने का समझौता भी शामिल है, केवल जेनेवा प्रोटोकॉल नहीं है। जेनेवा प्रोटोकॉल किस लिए है? युद्ध में श्वासावरोधी विषाक्त या अन्य गैसों तथा युद्ध की जीवाणविक पद्धतियों के उपयोग पर निषेध के प्रोटोकॉल को सामान्यतः जेनेवा प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली एक संधि है, जेनेवा प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक प्रकाशन है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने लगभग कर लिया है, पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू सारे हो गए हैं कॉन्सेप्चुअल के। अभी करंट वाला पोर्शन करेंगे दो तीन वीडियोस में, और उसके बाद सिर्फ पर्यावरण का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा रह जाएगा, उसको एक या दो वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, हो जाएगा आपका पर्यावरण कंप्लीट। तो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक प्रकाशन है किसका, बताइए। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, किसका प्रकाशन है? यूनेस्को का, WWF का, UNDP का, या फिर IUCN का? वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। ठीक है, डी, विवेक सिंह जी ने उत्तर सही दिया है, डी होगा, IUCN का है ये। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। ओके, IUCN का है ये। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये क्या है? नहीं, गौरव जी, गलत आपका है, यूनेस्को का नहीं है, IUCN का है। हेरिटेज से आपको लग रहा है यूनेस्को का होगा, लेकिन वो IUCN का है, और ऐसे ही फसवा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, गलत हो जाएगा। तो जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक आप कभी भी, हालांकि इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर क्वेश्चन में लोग यूनेस्को को ही टिक लगाएंगे क्योंकि हेरिटेज नाम दे दिया गया उसमें, लेकिन वो IUCN का है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच हैं, ये क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, वन निगरानी और ग्रीन हाउस गैस के संबंध में विकासशील देशों को प्रदत्त समन्वित अंतर्राष्ट्रीय सहायता हेतु एक अनौपचारिक साझेदारी। एक बार मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, धीरे धीरे देखते जाइए। क्या आप लोगों ने उत्तर देखा? पॉज करके देख सकते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, चलिए, किसी का उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, बी इसका उत्तर होगा। वनों की निगरानी करने के लिए डेटा और उपकरण उपलब्ध कराने हैं तो विश्व संसाधन संस्थान द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन मंच है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। क्या? वनों की निगरानी करने के लिए डेटा और उपकरण, फॉरेस्ट लिखा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, वनों की निगरानी करने के लिए डेटा और उपकरण उपलब्ध कराने हैं तो विश्व संसाधन संस्थान द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन मंच है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यह वनों की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW प्रत्येक व्यक्ति को विश्व भर में वनों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। यह विश्व संसाधन संस्थान वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट WRI की एक पहल है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी पहल है ये, तो WRI की, विश्व संसाधन संस्थान की।
जिसमें गूगल यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID तथा अन्य शैक्षणिक गैर लाभकारी सार्वजनिक और निजी संगठन जैसे भागीदार शामिल हैं। इसलिए विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है UN 75 पहल क्या है, तो ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र के शताब्दी वर्ष 2045 के विश्व की संकल्पना के संबंध में वैश्विक संवाद है। अब यहां UN 75 दिया, यहां 2045 दिया है, तो अपने आप ये ऑप्शन गलत हो जाना चाहिए। बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा प्रदान करने के उद्देश्य से गठित मध्य पूर्व के देशों का गठबंधन। अच्छा, तो 75 नाम क्यों दिया गया। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने वाले UNGA के 75 सदस्य राष्ट्रों का गठबंधन, ये देखिए यहां 75 मिल गया, तब यही सही उत्तर हो जाना चाहिए। अच्छा, दे भी दिया कुछ लोगों ने सी उत्तर। एक और पढ़ लीजिए, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ता को प्रभावित करने हेतु प्रयासरत अल्पवय तरुण जलवायु कार्यकर्ताओं का समूह, तो बताइए चारों में कौन सा होगा। अब समय आपका शुरू होता है, अब देखता हूं कौन इसका बढ़िया जो है सबसे सही उत्तर देता है। दो तीन लोग और अपना उत्तर दे दें। अच्छा चलिए, किसी का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है, इसका बी उत्तर सही होगा और बी उत्तर किसी ने नहीं दिया है। बी इसका उत्तर होगा, सॉरी ए इसका उत्तर होगा, ठीक है, ए किसी ने उत्तर नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र के शताब्दी वर्ष 2045 के विश्व की संकल्पना के संबंध में वैश्विक संवाद। अब प्रश्न उठता है कि UN 75 इसको क्यों कहा गया, तो यूनाइटेड नेशन की 75वीं वर्षगांठ मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी यूनाइटेड स्टेट की, जी सही कह रही हैं आप, तो यूनाइटेड नेशन 75 ये पहल क्या है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, तो 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, 2020 में, तो इसी में ये संकल्प लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के शताब्दी वर्ष 2045 में विश्व की संकल्पना के संबंध में एक वैश्विक संवाद किया जाए कि कैसा होगा 2045 का विश्व और हमको कैसा बनाना है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, ठीक। ज्ञानचंद पांडे जी स्वागत है आपका, धन्यवाद। तो UN 75 ये क्या पहल है, संयुक्त राष्ट्र की शताब्दी वर्ष 2045 के विश्व की संकल्पना के संबंध में वैश्विक संवाद है, भले इसमें 45 नहीं लिखा है, UN 75 है, लेकिन ये 75वें वर्ष में अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को जो स्थापना हुई थी इसकी, उसके 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अर्थात 2020 में ये संवाद की बात की गई कि 2045 के विश्व की संकल्पना की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही Phase 1 Trade Deal, ये क्या है Phase 1 Trade Deal, तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आप उत्तर दीजिएगा। ईरान और P5 देशों के मध्य समझौता, जिसका उद्देश्य पूर्व में आरोपित प्रतिबंधों को समाप्त करना है। दूसरा है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य समझौता, जिसका लक्ष्य दोनों राष्ट्रों के मध्य गैर प्रशुल्क बाधाओं को आसान करना है। तीसरा है चीन और अमेरिका के मध्य समझौता, जिसका उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और व्यापार व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए तनाव को कम करना है। और डी है भारत और जापान के मध्य परमाणु ईंधन के व्यापार से संबंधित समझौता। अब आपको अपना उत्तर देना है। ये सी किसने दिया है, पूजा सिंह, एकदम सही उत्तर है आपका, राइट आंसर सी है, चीन और अमेरिका के मध्य समझौता है, जिसका उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और व्यापार व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए तनाव को कम करना है। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों से जब COVID-19 नहीं था तो ट्रेड वार चल रहा था अमेरिका और चाइना के मध्य, जिसमें भारत जैसे देश भी प्रभावित हुए और एक प्रकार का ट्रेड वार की संभावना भारत से भी अमेरिका की या चाइना की बनती दिखी, लेकिन बाद में भारत ने इस चीज को हैंडल कर लिया।
हालांकि उतना लाभ जितना लाभ लेना चाहिए था भारत को वो लाभ नहीं ले पाया भारत। उसके पीछे कई कारण हैं और अभी तो COVID-19 चल ही रहा है। निम्नलिखित रामसर स्थलों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये रामसर स्थल दिए हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित सही अनुक्रम। जब आपको मालूम रहेगा कि ये रामसर स्थल कहां पर हैं, तो आप बहुत आसानी से उत्तर इसका खोज लेंगे। बताइए, पश्चिम से पूर्व सजा कर बताइए, 1 2 3 4, 4 3 2 1। ये तो आप आराम से ऑप्शन उत्तर दे ही सकते हैं। नल सरोवर कोलेरू हरि के भितरकनिका। चलिए मैं बता देता हूं आपको ये कहाँ स्थित है। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर कोई देता है अपना? ठीक है, पूजा सिंह ने एकदम सही उत्तर दिया है इसका, 1324। ठीक है, 1324 इसका उत्तर होगा। पहले नल सरोवर होगा, ये गुजरात के पास है, महाराष्ट्र के पास सॉरी। कोलेरू ये आंध्र प्रदेश, हरिके ये हिमाचल प्रदेश, और भितरकनिका ये उड़ीसा में है। तो आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो सबसे पहले नल सरोवर पड़ेगा, उसके बाद आपका हरिके पड़ेगा, फिर कोलेरू आएगा और बाद में भितरकनिका। तो प्रदेशों के बारे में पता रहेगा और ये पता रहेगा, मानचित्र को विचार में रखेंगे अपने मन में, तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पूजा सिंह जी ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया। ऐसे प्रश्न अब UPPCS में भी अब टैकल करने की आप आदत डाल लीजिए। नल सरोवर गुजरात में, हाँ सही। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1324, B इसका उत्तर हो जाएगा। मानचित्र में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, रामसर साइट्स जो हैं, ये नल सरोवर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं गुजरात में। ठीक है, अभी पेनटैप मेरे पास है नहीं और वो आ नहीं पा रहा है COVID-19 की वजह से, नहीं तो इतनी दिक्कत ना होती। पूरा स्टूडियो लगवा देंगे, स्टूडियो में पढ़ाएंगे तो आनंद आएगा। अभी AC वगैरह भी नहीं लग रही, बड़ी गर्मी लग रही है यहाँ पे। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये जो है गुजरात में है, इसके बाद हरिके झील है यहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में सॉरी पंजाब में। ठीक है, और उसके बाद ये आपका कोलेरू लेक आएगा आंध्र प्रदेश में, और ये चिल्का लेक है, चिल्का लेक के बाद भितरकनिका मैंग्रोव है, भितरकनिका यहाँ पर है उड़ीसा में। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये क्रम होगा आपका। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से 30 को पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक के रूप में घोषित किया है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और खाद्य एवं कृषि संगठन को इसके कार्यान्वयन का दायित्व तो सौंपा गया है। ऑप्शन रहे ये आपके, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। सही है, अमरीश चंचल जी ने सही उत्तर दिया है इसका, सी इसका उत्तर होगा, दोनों ही सही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGA ने वर्ष 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक के रूप में घोषित किया है। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। और दूसरी बात है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कब स्थापना हुई थी? UNEP की 5 जून 1972 को।
ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र सॉरी पर्यावरण पर मानव सम्मेलन हुआ था, पहला मानव सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में जून में हुआ था, 5 से 12 जून, उसमें पहला पहले दिन यही हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई थी। नैरोबी में इसका मुख्यालय और खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ को इसके कार्यान्वयन का दायित्व तो सौंपा गया है। दोनों ही सही है। तो कार्यान्वयन कौन कर रहा है? यूपीएससी का, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स, उनके लिए अच्छा प्रश्न हो सकता है। सी इसका उत्तर होगा। अल सल्वाडोर के नेतृत्व में और 70 से अधिक देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 मार्च 2019 को 2021 से 2030 के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक, डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में घोषित किया गया है। यूएनजीए द्वारा अपने संकल्प में सभी पारितंत्रों के संरक्षण और पुनर्स्थापन से संबंधित यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली यूएनईए के संकल्प को दोहराया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन को इसके कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन दशक के साथ भी संरेखित है। एसडीजी जो 17 जो लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, उनके बारे में आपको बता चुका हूं, वो आपको एकदम रट के रहना है। अभी हाल ही में 2019 वाले पीसीएस के प्रीलिम्स में आया भी था कि जल संरक्षण किस एसडीजी किस नंबर के लक्ष्य में है, तो एसडीजी 6 में है। जैसे समुद्री संरक्षण में आ जाए, एसडीजी 14 में है। तो ये आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, 17 के 17 आप तैयार कर लीजिए। इस दशक को एसडीजीज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन और अन्य वैश्विक फ्रेमवर्कों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिकल्पित किया गया है, इसलिए दोनों कथन सही है। हाल ही में संपन्न यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी के COP14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लीजिए, इस दौरान नई दिल्ली घोषणा जारी की गई। आपको पता है कि ये कहां पर, इसका नोएडा में सम्मेलन हुआ था, ग्रेटर नोएडा में, COP14 का, यूएनसीसीडी का जो हुआ। इस दौरान नई दिल्ली घोषणा जारी की गई जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना है। दूसरा है, भारत द्वारा आगामी 2 वर्षों के लिए चीन से कोप की अध्यक्षता प्राप्त की गई है। भारत द्वारा आगामी 2 वर्षों के लिए चीन से कोप की अध्यक्षता प्राप्त की गई, अर्थात इसके पहले चीन कोप का अध्यक्ष था, अर्थात इसका दो अर्थात COP13 जो है यूएनसीसीडी का, वो चाइना में हुआ था, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक, अभी तो भारत में हुआ, ये तो सही है। तो 2 वर्षों के लिए अध्यक्षता प्राप्त हुई कि नहीं, ये सही है कि नहीं, काफी क्वेश्चन है इसमें, तो आप बताइए अब कौन सा राइट है। किसी का आया अभी, हाँ दिलीप, क्या नाम है, दिलीप कुंवर का उत्तर सही है। दोनों ही सही है, दोनों ही राइट आंसर्स हैं। ठीक है, दिल्ली घोषणा पर, ये दिल्ली घोषणा जारी की गई, नई दिल्ली घोषणा, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना है। ये याद रखिएगा, वर्ष 2030 टारगेट है, भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना है। भारत द्वारा आगामी 2 वर्षों के लिए चीन से कोप की अध्यक्षता प्राप्त की गई है, दोनों ही सही है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी की 14वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया था। आपको पता है यूएनसीसीडी की स्थापना भी यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी और जो तीसरा संगठन है जिसके बारे में अभी सीवीडी के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये तीनों का जो स्थापना हुआ था वो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो 1992 में हुआ था वहीं पर हुआ था। ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि 14वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन भारत में किया गया, ग्रेटर नोएडा में। उत्पादक भूमि को सुरक्षित संरक्षित करने हेतु तो इस अद्वितीय वैश्विक अभियान में सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने संबंधी सतत विकास लक्ष्य को राष्ट्रीय कार्रवाई लक्ष्य के रूप में स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इस वर्ष भारत द्वारा चीन से कोप की अध्यक्षता प्राप्त करते हुए COP14 की मेजबानी की गई। ज्ञातव्य है कि भारत द्वारा आगामी 2 वर्षों के लिए इसकी वैश्विक मेजबानी की जाएगी, अर्थात 2021 में भी। COP14 में सूखे जोखिमों के बेहतर शमन एवं प्रबंधन और प्रत्याशितता निर्माण हेतु तो वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए
एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत संधारणीय मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ निजी क्षेत्रों को आकर्षित करने वाले प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए भूमि पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। एक प्रश्न स्टेटमेंट यह भी हो सकता है कि इसमें केवल, अगर पूछ लेगा, इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र को ही शामिल किया गया है, तो नहीं, इसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है। एक स्टेटमेंट यह भी ऐड हो सकता है, एग्जाम में यह चीज ध्यान में रखिएगा। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम सीसीएपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीसीएपी ये क्या है? इसका उद्देश्य भारत में जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का सृजन और सुदृढ़करण करना है। यह भारत में यूएनईपी की एक पहल है, भारत में यूएनईपी की एक पहल है। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन हैं और कौन से सही है आपको बताना है। ठीक है, पूजा सिंह ने सही आंसर दिया इसका। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल डन। ये यूएनईपी की पहल नहीं है भारत में, ये भारत में जो जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय है उसकी पहल है। ओके, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है, न कि यूएनईपी की। तो इसका उद्देश्य भारत में जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का सृजन और सुदृढ़ीकरण करना है। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम सीसी एपी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? केवल दो, बी इसका उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम को जनवरी 2014 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य देश में जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का सृजन और सुदृढ़ीकरण करना है, ताकि वैज्ञानिक और नीतिगत पहलों के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके, तथा सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। तो केवल एक सही है, तो आपका पूजा सिंह जी का आंसर एकदम सही था। ठीक है, मुझे लगा कोई डाउट है, आपको डिलीट कर दिया। ओके, सीसीएपी योजना के महत्वपूर्ण घटकों में क्या क्या शामिल है? नेशनल कार्बेनेशियस एरोसोल्स प्रोग्राम, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, अलग से पूछ सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं, कोऑर्डिनेटेड स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इसमें सम्मिलित है। बाकी हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 रिपोर्ट जारी की गई। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई? आपके सामने ऑप्शन है ये। जी, आदित्य जी, इसीलिए मैं बढ़ा दिया मैंने। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? बी दिलीप कंवर ने सबसे पहले उत्तर दिया इसका, बी नीति आयोग। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की थी, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20। इस रिपोर्ट से क्वेश्चन भी बना था 2019 पीसीएस प्रीलिम्स, आपने अगर दिया होगा तो आपको याद होगा, है ना, 2019 में ये प्रश्न ही बना था कि रैंकिंग में सबसे पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था। उसमें चार ऑप्शन थे ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और एक ऑप्शन था कोई। ठीक है, नीति आयोग इसका उत्तर होगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 ये पहली बार जारी हुआ था भारत सरकार द्वारा। वैश्विक, संभवतः वैश्विक स्तर पर भी सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर समग्र सूचकांक की गणना करके उपराष्ट्रीय सरकारों को रैंक प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया, प्रथम प्रयास था, अर्थात 2018 में पहली बार जारी हुआ था। इस सूचकांक द्वारा
अपने दूसरे वर्ष में अर्थात 2019 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 लक्ष्यों में से 54 उप लक्ष्यों के लिए 100 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई थी। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के अनुसार देश का कुल स्कोर अर्थात भारत का कुल स्कोर 60 था, जो वर्ष 2018 से 3 अंक अधिक है। 18 में 57 था और 19 में 60 हो गया। भारत में स्कोर में हुई इस वृद्धि का प्रमुख कारण जो रहा जल एवं स्वच्छता, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन। भारत का निम्न स्तरीय प्रदर्शन SDG 2 में रहा अर्थात भुखमरी के उन्मूलन में। 2030 तक जो भुखमरी का उन्मूलन करना है लक्ष्य SDG 2, उसमें भारत का सबसे निम्न प्रदर्शन रहा 48 वर्षों की तुलना में, जहां विगत वर्ष 2019 में इसका स्कोर घटकर कितना हो गया, 38 हो गया। नीति आयोग सूचकांक के अनुसार 25 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भूख और कुपोषण को दूर करने में विफल रहे हैं। नीति आयोग सूचका ये इस सूचकांक के अनुसार 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विकराल स्थिति है, भूख और कुपोषण को दूर करने में विफल रहे हैं। झारखंड को 100 में से 22 अंक प्राप्त हुए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान था। निर्धनता उन्मूलन संबंधी लक्ष्य में भारत की रैंकिंग 4 अंक घटकर 50 हो गई, जिसमें 22 राज्य निर्धनता को कम करने में असमर्थ रहे हैं। लिंग समानता के संदर्भ में भी स्थिति निराशाजनक बनी हुई है। गोवा अंतिम स्थान पर रहा है, इसका स्कोर 31 अंक से घटकर 19 हो गया है निर्धनता के संदर्भ में, सॉरी लिंग समानता के संदर्भ में। तो गोवा का तो अच्छा है कंडीशन लिंग समानता के अगर आधार पर देखा जाए तो। कर्नाटक उसका उत्तर था, सही है, जो मैंने प्रश्न जो 2019 में प्रश्न आया था SDG लक्ष्य का। वैश्विक वन्य जीव कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक वन्य जीव कार्यक्रम, ऑप्शन है, इसका उद्देश्य अवैध वन्य जीव व्यापार पर रोक लगाना तथा विभिन्न प्रजातियों और उनके अधिवासों की रक्षा करना है। दूसरा है, यह विश्व बैंक की एक पहल है। तीसरा है, भारत इस पहल का भागीदार देश है। ये 3 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ लीजिए और उत्तर अपने दीजिए। वैश्विक वन्य जीव कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला कि इसका उद्देश्य अवैध वन्य जीव व्यापार पर रोक लगाना तथा विभिन्न प्रजातियों और उनके अधिवासों की रक्षा करना। कीर्ति सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया है, ठीक है, एक सेकेंड, पहले ऑप्शन देख लें क्या है। डी उत्तर किसने दिया है, सबसे पहले डी उत्तर किसने दिया? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दिया है इसका। जया राय ने सबसे पहले उत्तर दिया है इसका, सॉरी, कीर्ति सिंह ने ही सबसे पहले उत्तर दिया इसका, सी इसका उत्तर होगा, 1 और 3। ये विश्व बैंक की पहल नहीं है, बाकी दोनों सही है। इसका उद्देश्य अवैध वन्य जीव व्यापार पर रोक लगाना तथा विभिन्न प्रजातियों और उनके अधिवासों की रक्षा करना है, सही है। भारत इस पहल का भागीदार देश है, लेकिन यह विश्व बैंक की पहल नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, विश्व बैंक की पहल है, यहां ऑप्शन ही गलत दे रखा है मेरे पास, जो ऑप्शन है वो गलत है। ये जो है तीनों ही इसका राइट है, डी इसका उत्तर होगा। जया राय ने ही सही उत्तर दिया है इसका, डी इसका उत्तर होगा, 1, 2, 3। ये विश्व बैंक की एक पहल है और इसका उद्देश्य अवैध वन्य जीव व्यापार पर रोक लगाना तथा विभिन्न प्रजातियों और उनके अधिवासों की रक्षा करना है। और तीसरा, भारत इस पहल का भागीदार देश है, ये तीनों ही राइट है, तो इसका उत्तर होगा डी। वैश्विक वन्य जीव कार्यक्रम विश्व बैंक के नेतृत्व में एक वैश्विक भागीदारी है, जो वन्य जीवों की अवैध तस्करी की निगरानी कर वन्य जीव संरक्षण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है, और भारत इसका भागीदार देश भी है।
इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखा है, डी ही उसका उत्तर होगा, तीनों ही सही होगा, ठीक है ना, तीनों ही सही होगा, 1 2 3। एक्सप्लेनेशन गलत दिया था इसलिए वो मिस्टेक हो गई जी। दलीप कुंवर, आपका ही नाम मैंने लिया था सबसे पहले, आप ही ने उत्तर दिया था, ठीक है। IBRD जी, अभी और कोई डाउट आप लोगों को किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं? किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा परिणाम, आ जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आपने पेपर जैसा किया वैसा ही नंबर आपको मिला होगा। यूपीपीसीएस में वैसे तो बहुत ज्यादा अनिश्चितता रहती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब बदलाव होता है, ऐसे नए अध्यक्ष आए हैं तो ये कॉपियां सही सही ढंग से चेक करवाए हैं। इस बार काफी अच्छी जानकारी मिल रही है, ठीक है, तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने पेपर अच्छा किया है, अगर कहानी लिख कर आए तो दिक्कत है, क्योंकि ये यूपीएससी के पैनल से भी कुछ लोग आकर यहाँ कॉपी चेक किए हैं, तो उनके हाथ में कॉपी लगी होगी तो फिर दिक्कत है। इसलिए अगर टू द पॉइंट आंसर है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा। आपका हिंदी निबंध और जीएस का पेपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहां तक सब्जेक्ट की बात है, स्केलिंग होने के बाद जो सूचना मिल रही है कि सब्जेक्ट में बैलेंस हो गया सब कुछ, मतलब कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़े और कम नहीं हुए हैं, औसत लगभग सब सब्जेक्ट का सही है, अर्थात सब में बढ़िया जो है नंबर मिले हैं सबको। नहीं, इस साल वैकेंसी तो नहीं आएगी, RO/RO 2020 की वैकेंसी इस वर्ष नहीं आएगी, संभव ही नहीं है। 2016 हो जाए बहुत बड़ी बात है, अभी तो 2020 का वैसे भी नहीं आना था, क्योंकि 2016 संपन्न होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, अभी तो बिल्कुल असंभव है कि 2020 का इस साल वैकेंसी है RO/RO की। लेकिन RO के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि अगर गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, सचिवालय वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब है, और कई लोग हमसे पूछ चुके हैं, यूपीपीसीएस में 2 3 4 अगर जॉब को छोड़ दें, ऊपर वाली SDM डिप्टी SP या अन्य को, तो RO बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है सचिवालय की, ठीक है, अच्छे एटमॉस्फेयर में आपको जॉब करने का अवसर मिलता है, सबसे बड़ी बात यह है, लाइफ अच्छी कट जाएगी। और अन्य कुछ करना चाहेंगे, अन्य कार्यक्रम से, शिक्षा आदि से जुड़ना चाहेंगे अगर, तो आप जुड़ सकते हैं, समय काफी आपको मिलेगा, एक रेगुलरिटी रहेगी लाइफ में। क्या मैं बत नहीं समझ पा रहा हूं, मतलब 2017 कोई लोअर का एग्जाम हुआ था क्या UPSSC का? अच्छा, मुझे नहीं पता था। SDG के बारे में एक वीडियो आया है, प्रियांशु जी ने बनाया था, उसमें पूरा उन्होंने रटा दिया है, तो मैं उसी को कल कोड कर दूंगा अपने वीडियो में, जो मेरा रात रात 8 बजे वीडियो आएगा, कल मैं 17 SDG लक्ष्यों का कोड बता दूंगा, वो कोडिंग से आपको याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये यूएन की एक संस्था है, यूएन की संस्था है IPCC, ठीक है, और इसका जिनेवा में मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, IPCC का क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पर कार्य करती है, अंतर सरकारी संगठन है।
WWF और वर्ल्ड बैंक मिलकर इसको चला रहे हैं, ठीक है ना? आप जो WWF बोल रहे हैं गलत नहीं है, वर्ल्ड बैंक और WWF मिलकर ये पहल शुरू की है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। प्रश्न, एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना देते हैं पर्यावरण का, लेकिन करंट का पार्ट, जो करंट का पोर्शन चल रहा है, 2-3 दिन चलने दें इसको, फिर उसके बाद पर्यावरण का पूरा जो पोर्शन है वो ले आ देंगे, एक या दो वीडियो में कंप्लीट, एक ही वीडियो में सही रहेगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, एक वीडियो कंप्लीट आपको दे देंगे, ग्रुप में रहेगा वो, कभी भी आप देख सकते हैं। एथिक्स में मार्किंग, एथिक्स में देखिए दो चीजें हैं, आंसर राइटिंग अगर आपने सही से की होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एथिक्स का पेपर बताया जा रहा है जो सबसे इजी पेपर था और कुछ इधर उधर का पूछा नहीं, उसमें जिसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वगैरह लिख दिया होगा, कम शब्दों में समझा दिया होगा और पॉइंट वाइज समझा दिया होगा, उसको अच्छे नंबर मिले होंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। जैसे एथिक्स में कई टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो एक जैसी लगती हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इसको अगर आप परिभाषित करने, इनके बारे में आप जानते हो लेकिन इनको परिभाषित कैसे करोगे, उसके लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, तो उन पॉइंट्स के माध्यम से उनको जब आप डिस्टिंग्यूश करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर कहानी की तरह लिख दोगे तो फिर नंबर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, फिर एग्जामिनर के कृपा पात्र हो जाएंगे। क्रम यही रहेगा कि सबसे पहले मेंस होगा 2019 का, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा है आयोग की, और सबसे पहले वही होगी। दो वेरी गुड, तो मतलब हम, मेरे कहने का मतलब है, आपने जो भी कांट का या कोई भी आएगा आपने अगर सही किया है तो आपको नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर आपका। जीएस का पेपर इस बार काफी अच्छे से चेक हुआ है, कॉपी अच्छे से चेक हुई है, यही है कि माइनर जो मार्किंग हुई है थोड़ा जनरल मार्किंग हुई है, अच्छा लिखने पे ही नंबर मिले हैं और कहानी लिखने पे नंबर नहीं मिले हैं। और परीक्षाओं संबंधित कोई और कार्य तो अभी सामने नहीं आ रहा है, अपडेट कोई सामने नहीं आ रहा है। UP SSC तो लगभग बंद है, एक दो लोग आते हैं वो भी 1-2 घंटे रहते हैं चले जाते हैं, नाम मात्र का। UP SSC जब खुलेगा, चेयरमैन चेयरमैन साहब आएंगे, काम शुरू करेंगे, उसके बाद जो है जानकारियां वहां से आनी शुरू हो जाएंगी, अभी जितनी जानकारियां हैं ना सब हवा में हैं, सिर्फ अपना काम चलाने के लिए कुछ न कुछ तो बोलना ही है, सब कुछ अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। अभी तो आप देख रहे हैं कि कल ही 7,000 मामले सामने आए, नए मामले, तो स्थिति अभी भी डेंजरस बनी हुई है, बल्कि और ज्यादा बंदी चली जा रही है, और मुझे डर है कि कहीं जो WHO का एक शुरुआत में अनुमान था सही साबित न हो जाए, सितंबर तक न खींच ले जाए। इस बार अंतर ज्यादा नहीं रहेगा, सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो इस बार जनरल OBC की मेरिट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया है इस बार, ये बात ध्यान रखिए। और OBC वर्ग में लोग, मतलब अब आप देख रहे हैं मेरिट प्रीलिम्स की तो समान ही जाती है लगभग, नहीं, जुलाई से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती एग्जाम की। सबसे पहले तो इंटरव्यू होगा 2018 का, रिजल्ट देकर इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू का रिजल्ट 2019 मुख्य परीक्षा के पहले देने का प्रयास करेंगे, जो पहले इनका प्लान था। उसके बाद आपका अभी BEO का परीक्षा का भी गुंजाइश नहीं, क्योंकि RO का एग्जाम इनके मतलब प्रायोरिटी में है, RO का एग्जाम लेकर RO को ज्वाइन करवाएंगे, RO को, ताकि काम सचिवालय का यहाँ का दौड़ सके। तो BEO का एग्जाम भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में, तीन बड़ी परीक्षाएं होंगी, BEO का प्रीलिम्स, RO का प्रीलिम्स 2016 और 2020 का प्रीलिम्स, ये बड़ी परीक्षाएं हैं, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
ये परीक्षाएं करवाने से पहले आयोग को बहुत सोचना पड़ेगा, और सरकार इजाजत देगी कि नहीं ये बात होगी कि ठीक है ना। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बीईओ पीसीएस प्रीलिम्स 2020 और आरओ 2016 प्रीलिम्स, इस पे तलवार लटकी अभी कुछ भी नहीं। अगस्त तक दिखाई नहीं पड़ता कि इनका एग्जाम हो सकता है। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब ओवर करते हैं। आप लोगों को शुभकामनाएं आने वाले रिजल्ट्स के लिए। रिजल्ट कभी भी आ सकता है अब, ठीक है, ऐसी सूचना मिल रही है, तो रिजल्ट्स के लिए आपको शुभकामनाएं। फिलॉसफी ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में मार्किंग अच्छी हुई है। सबको बोला गया है कि सिलेक्शन हमको जीएस के पेपर से लेना है, न कि सब्जेक्ट के पेपर से। इसलिए सब्जेक्ट के पेपर में किसी को न बहुत ज्यादा चढ़ाना है, न किसी को बहुत ज्यादा नीचे रखना है। क्वेश्चन पूरा आपने कंप्लीट किया है तो औसत के ऊपर आपको नंबर मिल जाएंगे, 220 230 तक आराम से। ठीक है, शुभ रात्रि आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश से जुड़ी परीक्षाओं की संपूर्णता में तैयारी कराई जाती है। तो आइए, हम लोग क्या देख रहे थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी का आज चल रहा था, तो एमसीक्यू आगे बढ़ेंगे उसी में। आप लोग अपने ऑप्शंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देते चले जाइए। कल से लाइव क्लास करेंगे, आपको मैं बता दूं कि कल से रात वाली 8 बजे की क्लास हमारी लाइव रहेगी, आप लोग लाइव अवश्य सम्मिलित होइएगा। ओके, तो ये पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण पारिस्थितिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी चल रहा है। इसके बाद अन्य सेगमेंट्स हम चलाएंगे, बीच बीच में कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आते रहेंगे। संपूर्णता में एक प्रकार से यह है सामान्य अध्ययन का, आपको रात 8 बजे, और सुबह 8 बजे देखना मत भूला करिए। एक दो दिन से लेट हो रहा है, लेकिन लेट नहीं होगा। वो 8:30 बजे वाला टाइमिंग जो है वो फिक्स है सुबह का। उस समय आप न्यूज़ देख लिया करिए, डेली का करंट अफेयर्स, ठीक, उससे काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अलसी फ्लैक्सीड किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? अलसी जो है वो किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल्दी से ऑप्शंस अपने चुन करके फटाक से आंसर दे दीजिए। इसका जो उत्तर होगा बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अलसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। इसीलिए अलसी के तेल का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तथा संबंधी रोगों की संभावनाओं को भी ये कम करता है। हृदय संबंधी, यहाँ लिख लीजिएगा, हृदय संबंधी रोगों की संभावनाओं को ये कम करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, अलसी का तेल आप प्रयोग करें। अगर आप आपके आसपास कहीं अलसी होती हो तो ले करके उसका तेल निकलवाइए और तेल का इस्तेमाल करिए, एकदम स्वस्थ रहेंगे हमेशा, और अपने बड़े बुजुर्गों को भी दीजिए। इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हमारे शरीर में त्वचा तल की, जो त्वचा है उस तल के नीचे जो वसा विद्यमान रहती है, वो किसके विरुद्ध अवरोधक, किसका अवरोध करती है वो? तो किसका अवरोध करती है दोस्तों? आप लोगों ने उम्मीद है उत्तर चुन लिया। आप क्या करिए, क्या कि पॉज कर दिया करिए वीडियो, फिर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, और फिर देखा करिए मैंने आपको ये उत्तर सही बताया है या गलत बताया है। पर ये रिकॉर्डेड वीडियो की बात कर रहा हूँ। कल से जब लाइव चलेगा तो तेज़ी से आपका आंसर आता जाएगा, मैं देखता जाऊँगा, पढ़ता जाऊँगा, नाम बोलता जाऊँगा। तो शरीर की जो उष्मा है उसको क्षय होने से बचाता है। वसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप देखेंगे बहुत गर्मी आपको होती है, उसका रीज़न है ये जो उष्मा है उसको रोकती है बाहर निकलने से, ठीक, और अवरोध करती है अंदर आने से। अर्थात ऊष्मा को, जो आपके अंदर ऊष्मा है उसको बाहर निकलने से रोकती है, बाहर की ऊष्मा को अंदर आने से रोकती है।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से बचाती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को बाहर की ताप के प्रभाव से बचाती है। ओके, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? महिलाओं के लिए, क्रियाशील महिलाओं के लिए जो चिकित्सकों के द्वारा एक निर्धारित किया गया है कि इतनी दैनिक मात्रा होनी चाहिए निम्न निम्न जो खनिज पदार्थ हैं उनकी, तो इनमें कौन सी सही सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है? तो जब तक हम बात किए होंगे आपका उत्तर प्राप्त हुआ गया होगा। इसका उत्तर होगा डी, 45 ग्राम लगभग। तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए पोषक पदार्थों की उपयुक्त दैनिक मात्रा प्रोटीन कितना हो चाहिए? 45 से 46 ग्राम। कैल्शियम कितना हो चाहिए? 400 मिलीग्राम। वसा कितनी मात्रा कितनी प्राप्त होनी चाहिए? 20 ग्राम। और आयरन की मात्रा कितनी प्राप्त होनी चाहिए? 30 ग्राम आयरन की मात्रा प्राप्त होनी चाहिए लगभग। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। वह प्रोटीन जो, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है एल्जाइमर का जो कारक है एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन कौन है? तो वो प्रोटीन है दोस्तों एमीलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, सी इसका उत्तर होगा, एमीलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, बीटा एमीलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ये जो पूरा नाम है इसका, मस्तिष्क के गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त उनकी क्षीण हो जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखे तो किस अंग पर सर्वाधिक, या पूरे शरीर पर ही प्रभाव पड़ेगा, इवन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो ये शब्द पे जाइएगा, सर्वाधिक, न्यूनतम, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, एग्जाम में जाकर के सही उत्तर का चयन करना है। इसके लिए प्रश्न का सही ढंग से पढ़ना ये महत्वपूर्ण है, और इस क्विज का, किसी भी प्रकार के एमसीक्यू प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो पता है क्या होता है? वो यही होता है, आप ऐसे प्रश्नों को टैकल करते हैं, फिर देखते हैं नहीं ये तो हमने वहाँ पढ़ा था, न्यूनतम सर्वाधिक की बात हुई थी यहाँ पर, नहीं आएगा तो क्लिक नहीं करेगा माइंड में, आप तेजी से पढ़ेंगे। एग्जाम का तो फोबिया होता ही है, या तो अतिउत्साह में, या तो क्या कह लें उसको, फोबिया में आप गलत करके चले आएंगे और फिर सिर पीटेंगे, अरे इतना सरल प्रश्न गलत होएगा वाह। तो ये इसका जो उत्तर होगा दोस्तों किडनी होगा, गुर्दे। ओके, गुर्दे पे सबसे ज्यादा, किडनी पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक तो उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव किडनी पर पड़ता है। शरीर में उपापचय के समय ऐसे अनेक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि, ठीक, जो कि अगर आप भोजन न करें तो ये नुकसान पहुंचाते हैं किसको, किडनी को, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है, हमने आपको बताया प्रोटीन से मिलकर एंजाइम बनता है, प्रत्येक एंजाइम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, हार्मोन में भी यही हाल है। तो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपो एंजाइम। क्या? एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है, एवं एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रो एंजाइम और जाइमोजन ये भी एपो एंजाइम के एक दो स्वरूप हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? आपको पता है दोस्तों किसका
कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये ऐसे विटामिन्स हैं जो वसा में विलेय हैं, ओके, वसा में विलेय हैं, जबकि विटामिन बी और सी ये जल में विलेय हैं। तो ये जो नाम दिए हैं विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में विलेय विटामिन हैं चारों। तो इनमें से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है या होता है? तो विटामिन के का, डी इसका उत्तर होगा। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है, विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, पता है आपको। विकल्प में दिए गए चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं, इनमें से विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। हालांकि विटामिन ए आदि भी संचित रहते हैं यकृत में। जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जीवों में प्रजनन होता है उसके संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको तीन सत्य कथन जो मिलेंगे उनको भी आपको माइंड में रखना है। प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, ये तो पता ही है आपको, तो परिभाषा ही है प्रजनन की। प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है, दो प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं, बिल्कुल गलत है। विखंडन, बीजाणु निर्माण ये सब पादपों में होता है, जीवों में नहीं, कशेरुकी जीवों में ये प्रजनन संबंधी क्रियाएं नहीं है। तो यही सी वाला उत्तर हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, ये बिल्कुल सही है। कशेरुकी जीव जितने हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो इसका जो होगा सी उत्तर होगा, सी ही असत्य है। कथन सी असत्य है, शेष सभी कथन सत्य हैं। विखंडन तथा बीजाणु निर्माण निम्न पादपों में अलैंगिक प्रजनन से संबंधित विधियां हैं। मानव सहित सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के युग्मकों के निषेचन से नए जीवों का जन्म होता है। जैसे स्त्री पुरुष विपरीत लिंगी हैं, इनके युग्मकों के निषेचन से ही नए जीवों का जन्म होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ भी असत्य कथन बताना है, अलैंगिक जनन के संदर्भ में बताना है। संतान अपने जनक के समान होती है, ये तो प्रजनन की यही सबसे बड़ी क्वालिटी है। नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। जो नए जीव का जन्म होता है अलैंगिक जनन में, वो केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण और निषेचन नहीं होता है, एकदम सही है ये भी। अर्थात निर्माण युग्मकों का नहीं होता, निषेचन नहीं होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन होता है, इसमें विपरीत लिंगी नहीं होते हैं, तो युग्मक बनने की बात ही नहीं यहाँ पे। यह प्रक्रिया पुष्पी पादपों में संपन्न होती है, यह बिल्कुल ही गलत है। पुष्पी पादपों पे लैंगिक जनन होता है दोस्तों। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें पुमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं, तो यहाँ पर युग्मक बनता है, लैंगिक जनन यहाँ पे होता है। तो डी ही इसका सत्य हो जाएगा, बाकी तीन सत्य हो जाएंगे। लेकिन तीनों को आपको याद रखना है, क्या? संतान अपने जनक के समान होगी, लैंगिक अलैंगिक दोनों में। नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, यह भी बिल्कुल सही है, केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा अलैंगिक जनन में। युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता, यह भी बिल्कुल सही है, युग्मक का निर्माण निषेचन नहीं होता। यह प्रक्रिया पुष्पी पादपों में संबंध होती है, गलत है, क्योंकि पुष्पी पादपों में पुमंग जायांग दोनों पाए जाते हैं, और इस तरह से युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में पुमंग व जायांग नामक प्रजनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए इनमें नए पादपों का जन्म लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है तथा जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा, ये अलग से पूछ सकता है। पुमंग अर्थात पू से याद रखिएगा पुरुष, पुमंग से याद रखिए पुरुष अंग, जायांग से याद रखिए महिला अंग, तो इस तरह से याद रखें, याद रहेगा। तो पुमंग में पराग करोण का निर्माण होता है, जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु एक्स बनते हैं। पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। वह अवस्था जब स्त्री और पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं,
प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं कौन सी अवस्था कहलाती है। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग वयस्कता कहेंगे, बहुत सारे लोग रजोनिवृत्ति कहेंगे, प्रौढ़ता के बारे में तो लगभग सभी ना कर देंगे, इसको डी को तो नेग्लेक्ट कर देंगे। बी जो है लेकिन इसका सही उत्तर होगा यौनारंभ बोलते हैं उसको, वैज्ञानिक भाषा में यौनारंभ बोलते हैं, जब स्त्री और पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं। आयु की वह अवस्था जब पुरुष व स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं यौनारंभ कहलाती है। पुरुषों में 13 से 16 वर्ष की आयु में जबकि स्त्रियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में यौनारंभ होता है। बी इसका उत्तर होगा। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न हो, जो निषेचन होता है वो किस अंग में संपन्न होता है, आपके उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। अब मैं बता दूं अंडवाहिनी में, बी इसका उत्तर है, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। इस वाहिनी में शुक्राणु जो नर युग्मक होता है तथा अंडाणु जो कि मादा युग्मक होता है उसके निषेचन से युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, निषेचन क्रिया में नर युग्मक जो होता है उसका केवल केंद्रक भाग लेता है जबकि संपूर्ण युग्मक, अगर मादा की बात की जाए तो पूरा युग्मक भाग लेता है उसमें। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने समय के लिए, अर्थात कितने समय में निषेचन की क्रिया संपन्न हो सकती है, 2 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 1 से 2 दिन के लिए। तो दोस्तों 24 से 48 घंटे लगते हैं, ठीक। डी इसका उत्तर होगा, 1 से 2 दिनों के लिए। मानव शुक्राणुओं को मादा जनन पथ अंडवाहिनी में पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं लेकिन यह उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करता है बल्कि 48 से 72 घंटे तक इसकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु कोशिका लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन योग्य बनी रहती है, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अंडाणु की बात कर रहा है 12 से 24 घंटे अर्थात आधे से एक दिन। रिलैक्सिन क्या है, रिलैक्सिन क्या है, रिलैक्सिन के बारे में बता दें, ये प्रसव के समय जो है उत्पन्न होता है, प्रसव के समय, ताकि प्रसव बहुत आसानी से हो जाए। रिलैक्सिन एक हार्मोन है दोस्तों, ए इसका उत्तर होगा। रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की श्रोण मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता करता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना आरंभ कर देता है, पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है, कब धड़कना शुरू कर देता है, विकास जो होता है मानव भ्रूण का उसके क्रम में जो चतुर्थ सप्ताह होता है, सी इसका उत्तर होगा, चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है। भ्रूणी विकास के चतुर्थ सप्ताह में हृदय का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणी विकास के 3rd से 8th सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास काल कहलाती है। क्या, भ्रूणी विकास के 3rd से 8th सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास कहलाती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है कौन सी कला, इसका उत्तर होगा एमनियान। याद रखिएगा, एमनियान कला विकासशील भ्रूण की शुष्क होने से रक्षा करती है। एमनियान नामक कला अथवा झिल्ली का आवरण बनाती है। इसके भीतर एमनियोटिक तरल भरा होता है जो भ्रूण को नमी प्रदान करता है तथा बाह्य दबाव एवं धक्कों से इसकी सुरक्षा करता है।
कोरियन भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य स्तर होता है। कोरियन तथा एमनियन मिल करके भ्रूण के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं। तो कोरियन भी पूछा जा सकता है, कोरियन एमनियन दोनों याद रखिएगा। जिनमें से कोरियन सुरक्षा कवच है और एमनियन सुरक्षा कवच होने के साथ साथ शुष्कता से रक्षा करता है, ये तरल बनाए रखता है, नमी पर बनाए रखता है भ्रूण की। ठीक है, तो और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको एक मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 साल 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना, तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे आप UPSC की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UP SSC में लेखपाल, या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा, और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है, उतने समय के लिए वो मतलब वो, जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है, कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यह होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं, क्विज टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय। ठीक है ना, तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें। ठीक है, हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।